अगली खबर, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं। आज रवि राणा का जन्मदिन है और पहली बार अपने बर्थडे पर रवि राणा जेल में हैं। जेल में बंद नवनीत राणा पर जमकर राजनीति हो रही है तो उनकी जाति पर भी विवाद हो रहा है। जेल, जन्मदिन और जाति पर सियासी जोर आजमाइश का पूरा विश्लेषण देखिए। जिस हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं, अब उनकी रिहाई के लिए भी उसी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जेल से रिहाई के लिए एक तरफ जहां भक्ति भाव है तो वहीं दूसरी तरफ भावात्मक पहलू भी है। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू पापा। ये नवनीत राणा और रवि राणा की 10 साल की बेटी आरुही हैं। आज पिता का जन्मदिन है, पहली बार जन्मदिन पर पिता जेल में हैं, तो आरुही भी उनकी रिहाई की गुहार लगा रही है। तो यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है, क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति के लिए अमरावती में घर पर आरती और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। कल सेशन कोर्ट में नवनीत राणा की जमानत पर सुनवाई होनी है। नवनीत राणा खुद सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बाहर उनको लेकर फुल सियासत जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने नवनीत राणा पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया। संजय राउत बार बार नवनीत राणा को मोहरा बताकर माहौल बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं। नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। आपको मालूम है नवनीत राणा जैसे लोग प्यादे होते हैं, और ये सब जो चल रहा है ना उसके पीछे सब मुंबई में दंगे भड़काना, मुंबई में पूरा एक बार माफिया राज करना, ये भी उसके पीछे यही कनेक्शन है। ये सब लोग प्यादे हैं। जाली जाति प्रमाण पत्र से पहले संजय राउत नवनीत राणा पर डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगा चुके हैं, जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से भी लकड़ावाला की पवार समेत कई नेताओं के साथ तस्वीर जारी की गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पाटिल नवनीत राणा के लकड़ावाला कनेक्शन की जांच की बात कह रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जो मुंबई की, वो कहीं ना कहीं जांच करेगी जो यूसुफ लकड़ावाला और नवनीत कौर राणा के संबंध जिस तरह से जरूर जांच करेंगे। किस सरकार में सत्ता में वो बैठे है, एक महिला से, एक महिला सांसद से इतना डरते क्यों है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके पास है, बोल के क्या होगा? इन्वेस्टिगेट करके दिखाए, जो बोलते हैं उसको कागज पर उतार के दिखाए या जनता की माफी मांगे। इस बीच सांसद नवनीत राणा ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में अर्जी दी है कि उन्हें जेल में घर का खाना मिले। 14 दिनों की जेल काट रही नवनीत राणा की जमानत याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है, जहां मुंबई पुलिस की ओर से विस्तार में जवाब दायर किया जाना है। नवनीत राणा की जमानत पर कल भी फैसला हो, लेकिन नवनीत राणा के बहाने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा फिर से चढ़ जरूर गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।